मी नंदकिशोर नैताम. आज दिनांक 19 फरवरी 2020 आम्ही मध्य प्रदेश राज्यातील रायसेन या जिल्ह्यामध्ये असलेला भीमबेटका हे जे प्रागैतिहासिक काळातील जी चित्रशैली आहे ते बघण्यासाठी आलेलो आहोत. माझ्यासोबत प्रसिद्ध साहित्यिका उषाकिरण अत्रा मॅडम कचारगड आणि सोबत कॅमेरामॅन असलेले आमचे लहान बंधू तिरुमाल बिच्चू वड्डे भामरागड हे सुद्धा आलेले आहेत. आम्ही हे जे भीमबेटका आहेत ते जागतिक जे युनो ही संघटना आहे तिने 2003 जागतिक वारसा म्हणून घोषित केलेला आहे या भीमबेटक्याला. आणि हे भीमबेटका हे प्राचीन म्हणजे महापाषाण काळातील जे शैलाश्रय आहेत किंवा चित्र आहेत ते एक जगातील खूप मोठा खजिना या ठिकाणी आहे हे बघण्यासाठी आलेलो आहोत. आमच्यासोबत उषाकिरण अत्रा मॅडम आहेत, ते आपल्याला याविषयी माहिती सांगतील आणि नंतर आम्ही त्याचे शिलाश्रय आहे ते बघण्यासाठी आपण नंतर जाऊ. आपण बोला. आज दिनांक 19 फरवरी 2020 को हम रायसेन जिले के भीमबेटका इस अति प्राचीन शैल गुफा देखने के लिए आए. यह सभी गुफा में जो चित्रलिपि है वो अति प्राचीन आदि मानव ने जो पहली बार यह चित्रलिपि दर्ज की है और ये दुनिया की मुझे लगता ये सबसे बड़ा अनमोल ऐसा खजाना है दुनिया ने दी हुई आदि मानव ने ये दुनिया को दी हुई बड़ी एक संपत्ति वारसा है दस्तावेज है. हमने देखने के बाद यहाँ हमको शिकार करने वाले आदि मानव उन्होंने पशु काल में जो पशु है जैसा बैल है भैंसा है हरिन है और युद्ध करते हुए बहुत सारे ग्रुप है उसमें हमारा रेला नृत्य है और ढोल बजाने वाला है और मांदर बजाने वाला भी है और नृत्य करने वाले स्त्री और पुरुष भी है. इससे ऐसा पता लगता कि सबसे अति प्राचीन मानव ने पहली जो लिपि लिखी है चित्र निकाले तो पहला चित्रकार हमारा आदिवासी मानव है. यहाँ अति प्राचीन काल में जो निवास करने वाला है वो आदि निवासी है और इसका हक हमारा ये धरोहर है. ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती और गर्व होता है कि हमारा ये धरोहर बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर हम लिखेंगे. जो लिखा है कई लोगों ने लेकिन गलत यहाँ बताया जाता है. कई जगह बोले है कि ये प्राचीन काल के पांडव कुंती का पुत्र भीम का है, ये पूरा तरह से गलत है. ये हमारा पानी का देवता है भीमालपेन और ये नर्मदा नदी जो है नर्मदा तो उसमें मानव निर्मित हो गई और नर्मदा के कुशी में ही हमारे मानव का विकास हो गया है और पानी का जो देवता है वो है भीमालपेन और उसका ये ठाना है भीमाल ठाना. तो भीमबेटका यानी वो कुंती का पुत्र का नहीं है, ये हमारे अति प्राचीन मानव की आदि मानव की यह सभ्यता है और इसका हम पूरे पूरे लिखकर हमारे इतिहास को हम नए ढंग से लिखेंगे ऐसा हम अभी कहेंगे. मार्टिनजे वाटून मध्य प्रदेश त्या रायसेन जिल्ह्यात आहे भीमबेटका. इत भीमबेटका तिथं प्रवेशद्वार आणू इथं पहिला शेल्टर शेल्टर केव आंदो आणि इथनं प्याके माटू हर एक शेल्टरतून उडपाल वेन अदनाबद्दल मी माहिती वेत आहे. इथं पहिला शेल्टर तर उडसिद्रा वाटे मस्त नागो इथे मुने माव कोयतूर मानवाल मातो आणि इथं कोयतूर मानवाने इथं कलाकृती आणू दुसऱ्यानं आव कातील इथं कलाकृती बनवली गेली. ఇక వేరు వేరు గైడ్ చేతిన్నమాట ఒక గైడ్ పూర మిస్ గైడ్ ఇదే మీ కోయితురు మన మంకలు ఇక మీటు ఈ జాగ్రత్తగా స్వతంత్రంతో మీ నదరం అనుభవం మహిళకి మీకు నక్కి ఈ దిగడ ఆ కోయితురు సంస్కృతి దర్శనయా దట్టింజకే మాట ఇదో భీంబేట్ కథ దర్శనేతలే.